मैं कह रहा हूँ महा रैली की एनिवर्सरी भी मना लेते हैं, हो सकता है काम शुरू हो जाए। मेट्रो संभाल लीजिए, गुड़गांव में मेट्रो नहीं आई। अब आपको किसका साथ मिला कि आपने ये ऑरेंज पटका डाल लिया? हमारी सरकार ने हर 20 किलोमीटर के अंदर महिला कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार ने। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बताइए जिसका उद्घाटन आपके सीएम ने किया हो। देखिए, जनता सरकार को चुनती है और आज यहाँ पर क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर बात हो रही है तो, और आप लोग भी सभी गुड़गांव से ही हैं और यहाँ पर अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो मैनिफेस्टो की बात आ जाती है। मैनिफेस्टो क्योंकि हर जो पार्टी है वो अपना अपना रखती है, वो तो बाद में आएगा, लेकिन आप सभी लोग भी किसी किसी पार्टी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप लोगों के अनुसार आप किन किन मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहेंगे, किन किन मुद्दों को आप जनता के बीच रखेंगे जिससे कि जनता आपको वोट दे? शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस से। देखो मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो बीजेपी के जो मैनुफेक्चर भाई, बीजेपी की सरकार आई 2014 में, उन्होंने बोला भाई पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटी होंगी, एक स्मार्ट सिटी आप दिखाओ है कोई भी। इतने हॉस्पिटल होंगे, इतने आईआईटी होंगे, इतने कॉलेज होंगे, कुछ भी नहीं धरातल के ऊपर। जो हमारे हुड्डा साहब भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के सीएम, मेट्रो 2014 में छोड़ के गए थे, एक इंच एक पिलर भी गुड़गांव में आगे नहीं बढ़ा है। और इतनी हालत आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, मतलब आंगनवाड़ी छोटी छोटी कॉलोनियों में, मतलब गरीब आज की डेट में जो गरीब आदमी है ना, उसने अमीर आदमी को ही भगवान मान लिया, क्योंकि इस सरकार ने मतलब हर चीज़ में गरीब आदमी को मतलब खत्म करने का काम किया है। मैंने अभी आपसे सवाल किया कि स्थानीय मुद्दे आप क्या कहें, आपने कमियां बताई, अब उनके सुधार की बात कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, जिस भी विधानसभा से आप हैं उस विधानसभा के लिए आप क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमारी जो हुड्डा साहब 2014 में मेट्रो का एक इंच का भी इन्होंने आगे नहीं बढ़ाई, सबसे पहले तो पूरा गुड़गांव को मेट्रो से कनेक्टिविटी करने का काम करेंगे। और जो जो 10 साल से हॉस्पिटल उसकी हालत बिल्कुल जीरो, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और यहाँ पर आसपास में जो एम्स की अभी आधारशिला रखी है रिवाड़ी में, एम्स की, उसको पता नहीं एम्स बनेगा नहीं बनेगा, पिछली 2014 में भी एम्स का उद्घाटन हुआ था, 10 साल में एक ईंट का काम नहीं हुआ। और हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले तो एम्स का उद्घाटन हमारे गठबंधन की जो भी हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, उसको एम्स का बनाने का काम करेंगे। चलिए चलिए, नेक्स्ट सवाल आप विक्रांत जी से पूछ लेती हूँ, सेम सवाल है मेरा, आप भी स्थानीय हैं और यहाँ पर जिस भी विधानसभा से आपको प्रत्याशी घोषित किया जाएगा उस विधानसभा के लिए आप क्या क्या काम करना चाहेंगे, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें हैं? देखिए मैम, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, बात लोकसभा चुनाव की हो रही है तो आप अगर लोकसभा चुनाव इसे फोकस्ड रखेंगे इंस्टेड ऑफ विधानसभा तो शायद बेटर रहेगा। नहीं, मेन बात आपकी ठीक है, मेरा सवाल चुनाव की बात करते हैं तो पहले जिस चीज को आप बोलते हैं नारी शक्ति, तो उसके सम्मान की बात होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। उस मुद्दे पे आपके क्या विचार है वो बताइए पहले आप। मुझे बोलने का मौका दिया, 3 लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं दामिनी जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात ये करना चाहूंगा, आपने बात अभी मैनिफेस्टो की थी जी, क्योंकि मैनिफेस्टो जो मैंने अभी इन सब पार्टियों के देखे हैं पिछले 2019 में, 14 में, 9 में, कहीं ना कहीं मुझे समझ में आता है कि ये भ्रमित करने वाला एक पत्र है। बताया कुछ जाता है, होता कुछ है। और अभी तो ना ट्रेंड चेंज हो गया है जी। अब ट्रेंड ये हो गया है, पहले ना उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दो जी। उनको बता दो आप ना लगभग शॉर्ट शॉर्ट विनर हो, 400-500 आदमी घोषित कर दो, उसके बाद फिर ऐसा करते हैं एक दिन बैठते हैं, एक टीम बनाते हैं, ये टीम होगी, मैनिफेस्टो अब बनाया जाएगा जी। आप पहले ही कैंडिडेट बना दिए आपने, जिनको ये ही नहीं पता उन्होंने मैनिफेस्ट क्या करना है लोगों के लिए, कितना अच्छा काम करेंगे वो उन्हें नहीं पता। टीम और कोई बनेगी, ऐसा कल्चर है हमारी बड़ी बड़ी पार्टियों का, मैं कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की बात करूं, सबका ऐसा कल्चर है। ऑर्गेनाइजेशन, सैनिटेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देश को सच में आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। तो बात, मैं एक बार बंसल जी की बात का जवाब देना चाहूंगी, मेरा अधूरा रह गया था, क्योंकि यहाँ पर हम सभी लोग स्थानीय मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी विधानसभा से ही शुरुआत होती है लोकसभा की, इसीलिए मैं ये सवाल स्थानीय मुद्दों पर अभी ज़्यादा पूछ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जनता भी हमारे बीच बैठी है वो यहीं की जनता है,
है ना, तो इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछती हूँ। चलिए बात यहाँ से आगे बढ़ाते हुए आप पर ही आ जाती है, आप चाहे लोकसभा के बारे में बात करें चाहे विधानसभा के बारे में बात करें, बात वहीं आ जाती है स्थानीय मुद्दों से, क्योंकि स्थान से अपने अपने क्षेत्र से शुरू होकर बात पहुँचती है सरकार कर। बार बार मैनिफेस्टो की बात हो रही है, मैनिफेस्टो में हमारे मैनिफेस्टो में पिछले लगभग 2 दशक से ज़्यादा समय से राम मंदिर का मुद्दा था और हमने पूरा करके दिखाया है। कुछ लोगों को इसमें मिर्ची लगती है, ठीक है, कि मुद्दा क्यों राम मंदिर क्यों बन गया, तो उनको लगे तो उनको वो मुबारक। कुछ नेताओं ने कहा था कि मेरी नानी ने तो ये कहा था जी कि राम मंदिर ऐसी जगह नहीं बनना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा था कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ पे ये बनना चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो का पॉइंट था, हमने करके दिखाया और देशवासियों को गौरव है 500 साल में जो नहीं हो सका वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। मुद्दे तो ये एक कलंक था और उसको मिटाया है, 92 में उसका एक स्टेज की कवर की, माइलस्टोन पूरा किया और अब हमने भव्य शानदार मंदिर वहां पे बनाया है। इसके लिए क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। धनराज बंसल जी, आपसे एक सवाल है, सजेशन चाहता हूं इसमें मैं आपका, कि क्या इस देश में एक की जगह दो तरह की सरकारें बना दी जाएं, एक सरकार का काम हो जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं मंदिर मथुरा काशी इन सारे काम करने के लिए, और एक सरकार हो सचमुच में डेवलपमेंट करने के लिए, स्कूल अस्पताल सड़कें जो बेसिक बुनियादी समस्याएं हैं उस पर काम करने के लिए। तो मैं आपसे सजेशन चाहता हूं कि क्या हम इस तरह से जो काम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का जो संस्थाएं होती हैं उनका होता है वो काम कर रहे हैं, सरकारें पूरी तरह से उसमें अगर उलझी रहेंगी तो फिर ये बाकी समस्याएं जो है वो कौन करेगा। तो मैं सजेशन चाहता हूं, क्या हम दो सरकारें बना दें या नहीं? ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब देने के लिए मैं चाहूंगा कि क्या आपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल किया है? अब समस्या ये है योगेश जी के पास ना दो दो मोदी जी, क्या आप सोहना रोड पे चले हैं? एक एक्सप्रेस आपने देखा है कि सोहना रोड ने काम किए? क्या आपको मालूम है कि MBBS की सीटें इस सरकार के दौरान, क्या आपको मालूम है बंसल साहब 50,000 यूनिवर्सिटियों की फंडिंग बंद कर दी? क्या आपको मालूम है आपके सीएम ने यूनिवर्सिटियों की फंडिंग बंद कर दी? क्या आपको मालूम है हरियाणा के स्कूल बंद हो रहे हैं? क्या आपको मालूम है लोग एडमिशन नहीं, बच्चे एडमिशन नहीं करा रहे हरियाणा में? क्या आपको मालूम है कि उनके रिजल्ट गिरते जा रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि वो जो हरियाणा में अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो खुल ही नहीं पा रहे हैं? क्या आपको मालूम है जो आपके स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते थे गुड़गांव में भी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है? अरे सर खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है 102 सेक्टर में जाके देखिए, मत जीजिए खुल रहा है, रहा है, काम बन रहा है, एक दिन तो खुलेगा ना, काम हो रहा है। 2022 में 24 में हम ये बात कर रहे हैं खुल रहा है, उसका शिलान्यास किया और हम ये हमारा सौभाग्य है। अगर आपके बीच में हमें ये बोलना पड़ रहा है खुल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है? देश का केवल एक मात्र राज्य है जहां पर 2 एम्स है हरियाणा। सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा राज्य जहां पर 2 एम्स है। आपको एक बात कहना चाहता हूं, गुरुग्राम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है कि गुरुग्राम हरियाणा का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, जहां पर वहां भी 80% लोग बाहर से आकर के काम करते हैं क्योंकि यहां के बच्चे पढ़ नहीं पाते। गुड़गांव में एम्स है, आप मुझे बता दीजिए कोई एक बढ़िया विश्वविद्यालय गुड़गांव में है सरकार की तरफ से? कोई मेडिकल कॉलेज आप मुझे नाम बताइए, आप मुझे बताइए गुड़गांव कॉलेज, गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज बताइए। गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज सेक्टर 102 में बन रहा है? बन रहा है ना सर, आप मत जाइए उस बन रहा है तो उस भविष्यवाणी में, और आप ही इस चीज के बैनर पोस्टर लगा रहे थे 4 महीने 6 महीने पहले, गुड़गांव में मेट्रो नहीं आई, मेरा साथ दीजिए, गुड़गांव में मेट्रो नहीं आई, अब आपको किसका साथ मिला कि आपने ये ऑरेंज पटका डाल लिया? और गुड़गांव में आप कैसे मेट्रो आ गई? मुझे आप हो सकता है ट्रेवल कर लिए हो, मैं तो अभी भी ट्रेवल नहीं कर पाया। माननीय प्रधानमंत्री आप मुझे बताइए, आप खुद बैनर लगाते हुए घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे गुड़गांव में मेट्रो नहीं आई 6 महीने पहले? अब वो कौन तो से कितने पिलर बने मेट्रो के? आपने ये पटका बदला, शिलान्यास हो चुका है, आपने शिलान्यास अनन्य प्रधानमंत्री के सर शिलान्यास आपके जो गुड़गांव के सांसद हैं, आपके जो गुड़गांव के सांसद हैं उन्होंने महारैली की थी, उन्होंने महारैली की थी मेट्रो के नाम पे, उस महारैली को भी 1 साल हो जाएगा, उस महारैली को मैं कह रहा हूँ महारैली की एनिवर्सरी भी मना लेते हैं, हो सकता है काम शुरू हो जाए मेट्रो का। हमारी सरकार ने किया लोकार्पण भी हम भी करेंगे। अरे सर अगली सरकार हमारी बनेगी। अभी आप थोड़ी देर पहले डेटा की स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, सर आप काम कीजिए, मौजूद ही नहीं है आप 30 सीएम बनाइए देश में, आपकी तो पार्टी का एक चीज का वादा कर दीजिए, आप 30 सीएम बनाइए देश में लेकिन एक चीज का वादा कर दीजिए कि सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको स्कूल मिलेंगे, हर स्टेट में कॉलेज होंगे, इस चीज का तो वादा नहीं कर पा रहे। महिला कॉलेज हर 20 किलोमीटर के अंदर महिला कॉलेज, इन्होंने जो अभी कहा है, इन्होंने अभी कहा है हमारी सरकार ने हर 20 किलोमीटर के अंदर महिला कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। आपने कहा महिला कॉलेज खोलने का काम किया,
कोई एक तो नाम गिना दीजिए। हर 20 किलोमीटर हाँ 20 किलोमीटर में नाम बता दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ नाम बता दीजिए। अच्छा ऐसा कीजिए कोई एक स्कूल बता दीजिए गवर्नमेंट स्कूल जिसका उद्घाटन किया होगी। मैं प्राइवेट स्कूल गिना सकता हूँ जिसका सीएम उद्घाटन करने आए थे। आप गवर्नमेंट स्कूल बता दीजिए जिसका सीएम ने उद्घाटन किया हो। आप कोई ऐसा हॉस्पिटल बता दीजिए जिसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल बताइए जिसका उद्घाटन आपके सीएम ने किया हो। बताइए यहाँ पे बताइए। गवर्नमेंट का है नहीं, प्राइवेट का है। प्राइवेट का फरीदाबाद में प्राइवेट का इन्होंने उद्घाटन किया लेकिन गवर्नमेंट का नहीं किया। गवर्नमेंट का बनाना ही नहीं चाहते ये। गवर्नमेंट का अगर बनाएंगे तो कहाँ से होगा। और हमारी सरकार में 10 सालों में 50,000 से 1,08,000 इनकी बात को बड़ा करते हैं हम। ये कहते हैं एमबीबीएस की सीटें इनको सरकार में डबल से ज्यादा हो चुकी हैं। हमारी सरकार में 7 से ज्यादा नए आईआईटी खोले जा चुके हैं। आपको बताते हैं आपकी बात को मैं बड़ा कर रहा हूँ। आपके पास बहुत सारे वोटर हैं तब भी आपके पास मोदी जी भी है जिनका नाम जपा जा रहा है तब भी आप विपक्ष से या दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट लेकर आ रहे हो। आपके पास मोदी जी के नाम पे वोट लेने का भी नहीं अधिकार क्योंकि आप वोट ही नहीं ले पा रहे इसीलिए तो विपक्ष को लेकर आ रहे हो। विपक्ष से तोड़ तोड़ के आप लेकर आ रहे हो। अच्छा ये बताइए सीटें नहीं आती हमारी। अच्छा आपका कोई कार्यकर्ता काम करता है तो उसको कैंडिडेट क्यों नहीं बनाते। 400 हम पार करने वाले आपका आपके 400 आप 400 पार की बात कर रहे हो। 400 पार की बात कर रहे हो तो 400 कोई कैंडिडेट तो बताइए। जनता कह रही है आपके बीजेपी के 400 कैंडिडेट गिना दीजिए। दूसरों के बताओ ना। दूसरों के तो मैंने डिक्लेयर हो चुके हैं। दूसरा कोई बताए। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 400 कैंडिडेट बीजेपी के बता दिए तो 10 साल से बीजेपी में रहे हो उनको अपने टिकट दियो। कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। दूसरे हमें तो देखिए देखिए कार्यकर्ता आएंगे आपके दरी बिछाएंगे आप हवाई फायर से लेकर आएंगे बाय रॉकेट आता है लैंडिंग करते हैं अगले दिन टिकट दी जाती है तो उस कार्यकर्ता पे क्या असर होगा होगा वो भी बता दीजिए। वो हमारा इंटरनल मैटर है उसकी चिंता आप क्यों करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं। तो आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है ना। आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। इंटरनल मैटर है। आप 400 पार की बात कर रहे हो। आपके पास 400 कैंडिडेट ही नहीं है। 400 नेता ही नहीं है तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। दूसरी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किए। दूसरी हाँ जी भाई भी जितना होता है दे रहे हो आप किसको नहीं दिया। अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर कौन है भाई बत्ती जवाब नहीं है। वो सीधा मुख्यमंत्री नहीं बने। वो सीधा मुख्यमंत्री नहीं बने। अभी अभी केजरीवाल जी या कोई भी पार्टी अपने परिवार में ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है अपने परिवार के आगे बढ़ा अभी एक मिनट सरदार जी। केजरीवाल जी की अब दिल्ली में राबड़ी देवी आने वाली है। अभी आज देख लीजिए थोड़े दिन बाद राबड़ी देवी आ जाएंगी दिल्ली में।